नमस्कार दोस्त, मैं अंजनी कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 9 जॉब की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और इसमें से जो पहली जॉब इन्फॉर्मेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और बीटेक फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए है, यानी कि जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सिविल फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाइए, बट दोस्त सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर से रिलेटेड किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पा रही थी। बट आज के वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए 1 जॉब इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको गूगल के सर्च इंजन में सर्च करना है irb.co.in। ओके सो दोस्त, आप देख सकते हैं कि हम IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर में सिविल इंजीनियरों के लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के सभी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ओके आप देख सकते हैं कि IRB के ठीक सामने 3 डॉट का एक सर्कल है, आपको 3 डॉट के इस सर्कल पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। 3 डॉट के सर्कल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो सिंपली आप जब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन है, तो कैरियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली नीचे जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट ओपनिंग कंस्ट्रक्शन, तो करंट ओपनिंग कंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो करंट ओपनिंग कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले नीचे आना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BE सिविल यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल और DCE यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरों के लिए जॉब है। जॉब पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर स्ट्रक्चर एंड रोड, यानी कि स्ट्रक्चर और रोड में जूनियर पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और BE के लिए जॉब है। ओके और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 0 to 3, यानी कि यदि आप फ्रेशर हैं आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ओके सेकेंड नंबर जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि BE सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 to 15, यानी कि मिनिमम आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड नंबर जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BE सिविल जो कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल इंजीनियर। ओके मटेरियल इंजीनियर जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस दे रखा है यहाँ पे 10 to 12 दे रखा है, यानी कि मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ओके नेक्स्ट फोर्थ नंबर जॉब, BE सिविल यानी कि सिविल में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पोजीशन सीनियर इंजीनियर हाईवे, यानी कि सीनियर इंजीनियर पोस्ट है और हाईवे यानी कि रोड डिपार्टमेंट में आपको सीनियर इंजीनियर की जॉब मिल सकती है। ओके और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि 8 to 10, यानी कि मिनिमम 8 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। 5 नंबर जॉब, BE सिविल यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीनियर इंजीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जॉब है और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि 8 to 10, यानी कि मिनिमम आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे 6 नंबर जो जॉब है वो DCE यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरों के लिए है और पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर, यानी कि सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब है और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि 8 to 10, यानी कि यदि आपके पास सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर में 8 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो और क्वालिफिकेशन DCE यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। ओके और 7th नंबर की जॉब आप देख सकते हैं कि BE सिविल यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर, एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 to 10 ईयर। ओके
नेक्स्ट 8 नंबर की जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं बीई सिविल डीसीई यानी कि बैचलर डिग्री वाले इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। डीसीई यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर जिसके पास है वो भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर स्ट्रक्चर रोड। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3 to 8 ईयर ओके यानी कि मिनिमम आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओके। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी जॉब है, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट है और एक्सपीरियंस 4 to 6 ईयर। यदि आपका कोई दोस्त है तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो ओके। अब बात करते हैं कि इस जॉब को आप कहां से अप्लाई करोगे। तो सिंपली जब आप ऊपर आओगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहां पे आपको फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए ठीक है, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, तभी इस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो ओके। सो दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ओके।